दोस्तों, सुंदर लग रही हूँ ना मैं? अरे क्यों ना लगूं? प्रकृति ने इसलिए तो हम परिंदों को इतना खूबसूरत और अलग अलग रंगों में रचा है। हमें देख उदास मन भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे साथ खुशियों के आकाश में उड़ने लगते हैं। कभी मेरी तरह पंख लगाना चाहते हैं और कभी मेरी शारीरिक बनावट से प्रेरणा लेकर हवाई जहाज का निर्माण भी कर लेते हैं। वाह भाई वाह, इंसान की बात और उसके सपने। ये हमारा घर है, मत उजाड़ो हमारा बसेरा। अरे अरे अरे, ये पेड़, इस पेड़ पर तो अंडों वाला घोंसला है। नहीं नहीं नहीं, मत काटो। ए भाई, अपना आशियाना तो उजड़ गया, कोई और जगह दिखी क्या? कहाँ भाई, जहाँ तक निगाह जाती है बस ईंट और कंक्रीट का जंगल, हरियाली का तो नाम ही नहीं है। ये कहानी, ये दर्द, ये पीड़ा किसी एक दिन या एक पक्षी की नहीं है, बल्कि ये रोज की बात है। जब हम मानव अपनी जरूरतों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, बेरहमी से हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं, बिना ये सोचे कि ये पेड़ इन मासूम परिंदों का बसेरा है, बिना ये जाने कि बसेरा छिनने से इनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। आज दुनिया भर में पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और न जाने कितनी खो चुकने की कगार पर हैं। आज हम मानव ये भूल चुके हैं कि नन्हे नन्हे पक्षी न सिर्फ प्रकृति की शोभा है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, धरती को स्वच्छ रखने एवं जैव संपदा के संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि तितली और मधुमक्खी के बाद परागण की इस प्रक्रिया में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जरा सोचिए, न होते ये पक्षी तो बीजों का प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण कैसे संभव होता? हरा भरा मैं तोड़ता हूँ, चढ़ पेड़ों पर सोता हूँ, याद है आपको मेरी राजा रानी की कहानी से लेकर जंगलों के पेड़ों पर मैं यानी तोता महाराज सबका चहेता रहा हूँ। यहाँ तक कि लोगों ने ना जाने कितने मुहावरे तक गढ़ दिए मुझे लेकर। हाथों के तोते उड़ जाना आपने तो सुना ही होगा, पर आज की हकीकत यह है कि मैं यानी आपका तोता राम भी आपकी बर्बादियों की भेंट चढ़ अपने को बचाने के संकट में जूझ रहा हूँ। हाँ, सृष्टि को विविध रंगों से सजाने वाले और अपनी तरह तरह की चेष्टाओं और गतिविधियों से मन को मोहने वाले ये पक्षी हमसे चाहते क्या हैं, जानते हो? ये चाहते हैं बस हमारा ध्यान और अपनी सुरक्षा। ये भी हमारी तरह आजादी के साथ निश्चिंत हो चहचहाना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, पर सोचो क्या ऐसा हो पा रहा है? ये सवाल पूछ रही है इन बेजुबान पक्षियों की हर आंख।
अपने और अपने परिवार की सलामती को फिक्रमंद हैं आज हर मासूम बेजबान परिंदा। कोई जगह ना मिली तो मैंने बिजली के तारों पर ही घोंसला बना लिया। अब मेरे बच्चों को बचाए रखना, हाँ, और इनकी हिफाजत करना। ये एक बेबस माँ की पुकार ही नहीं बल्कि हर चिड़िया की व्यथा कथा है। शहरों में उगे कंक्रीटों के जंगल, मोबाइल टावर्स और बिजली के तारों के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर उड़ते और बसेरा बसाने के लिए जगह तलाशते ये परिंदे बार बार यही सवाल पूछते हैं, आपके शहर में हमारे लिए जगह कहाँ है? छीन लिया है हमने इन पक्षियों का आसरा, अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के चलते शोर, धूल, ट्रैफिक, मोबाइल रेडिएशन, प्रदूषण सबने मिलकर इन बेजुबानों के लिए जिंदगी के दरवाजे तंग कर दिए। अरे देखो देखो, नीचे सब कितना खुश है और साथ साथ खेल कूद रहे हैं, खा रहे हैं, सब अपने परिवार के साथ। कितनी अच्छी जिंदगी है ना? अरे अरे, ये क्या? छी छी, इतनी गंदगी, ये कूड़ा तुम हटाते जाओ। हाँ भाई, अब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में आज हम सब कोई मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर कि आपके पास भी मोबाइल फोन जरूर है। क्या हम इसके बारे में जितने इफेक्ट हैं उसके बारे में जानते हैं? जैसे हमने सुना होगा कि पहले गौरैया पक्षी होती थी, आज वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते इन पक्षियों की जाने कितनी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गईं और कितनी विलुप्त होने की कगार पर है। यही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी नजरें इन पक्षियों को देखने को तरस जाएंगी। इसीलिए बच्चों, ये जरूरी है कि आप इस दिशा में जागरूक हों और समझें अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आप ही तो हो हमारा आने वाला कल। अब इनके घर तो उजड़ चुके हैं, अब हमको नए सिरे से इन सबके घर बनाने ही होंगे।